अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे इज़ योर मैथ्स लेक्चर. ओके, वी आर डिस्कस डिविजिबिलिटी रूल. ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन द क्लासेस. आपने पहले भी क्लासेस में सुने हुए हैं सारे डिविजिबिलिटी रूल्स. थोड़ा सा आज हम इसको रिपीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, जो फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2. द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 इज इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2. ओके, ये 0, 2, 4, 6 एंड 8 दीज ऑल नंबर्स आर द इवन नंबर्स. इफ़ द वंस हाउस नंबर इवन नंबर देन द होल नंबर विल बी इवन. ओके, अगर आप इसको बड़ी आसानी से आप टैली कर सकते हैं कि अगर वंस के हाउस में आपके पास इवन नंबर है देन द होल नंबर विल बी इवन. इसमें देखिए कुछ बॉक्सेस आपको गिवन है. द फर्स्ट बॉक्स जो ग्रीन कलर में है 5422, यहाँ पे वंस हाउस नंबर इज 2. इट्स मीन कि ये आपके पास क्या है, ये इवन नंबर है. ठीक है, इसी तरह जितने भी बॉक्सेस हैं इन सब में इवन नंबर्स गिवन है. ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब है कि कोई भी गिवन क्वेश्चन, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कोई नंबर्स गिवन है और आपने फाइंड करना है कि 3 के टेबल में वो डिविजिबल हैं या नहीं है, तो बजाय ये कि आप उसको बहुत लॉन्ग डिविजन मैथड से सॉल्व करें, आप उसको बड़ी ईजीली उसका सम फाइंड कर सकते हैं. अब उसका सम फाइंड कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर ऑलरेडी आपकी बुक पेज 37 पर बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स गिवन है. जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ 63 इज डिविजिबल बाय 3. How we can define as 6 + 3 = 9. 6 + 3 = 9 means के जो question के number हैं उसको उन्होंने plus कर दिए, तो 6 + 3 = 9. It's mean के 9 is divisible by 3, so the 63 is also divisible by 3. ठीक है, यहाँ पर देखें बहुत आसानी से ये हो गया है. इसी तरह 28 इज नॉट डिविजिबल बाई 3. हमने कैसे फाइंड किया, 2 को हम और 8 को हम अगर हम आपस में प्लस करें, 2 + 8 योर सम इज 10. योर सम इज 10, इट्स मीन कि 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3. 10 टेबल ऑफ 3 में नहीं आता, तो इट्स मीन कि 28 भी टेबल ऑफ 3 में डिवाइड नहीं होगा. बजाय ये कि आप इसको लॉन्ग डिविजन मैथड से सॉल्व करें, आप इसका सम फाइंड करके भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स गिवन है इन बॉक्सेस में, 2991. आप इन सब एग्जांपल्स को अपनी रफ नोटबुक्स पे ऐड करें और फिर देखें कि ये डिविजिबल है 3 पे या नहीं है. ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है. ठीक है, और नीचे तो ऑलरेडी उन्होंने हेडिंग दी हुई है कि ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, क्योंकि वो इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है, द नेक्स्ट नंबर इज 5. ओके, द 5 देखें आप कि इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और 5 का टेबल तो सबको आता है, आपकी क्लॉक में भी 5 का टेबल होता है, तो इन नंबर्स को फाइंड करना तो बहुत आसान है. ठीक है, जैसे आपके पास है कि अगर आपके पास वंस हाउस यानी जो वंस का हाउस है उसमें अगर आपके पास 0 और 5 ये 2 डिजिट्स हैं, तो इट्स मीन कि वो डिविजिबल बाई 5 होगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, 450, 5,950, 355, 7,845, 9,690. ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. ओके, अच्छा, द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल इज 10. आपने 10 के डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड करना है. टेबल ऑफ 10 बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है, और उसको आप आसानी से रीड कर सकते हैं. 10 ones are 10, 10 twos are 20. तो आप इन सारे टेबल्स में देखें, इस सारे टेबल में आपके पास वंस के हाउस में कौन सा नंबर है, तो इन सब में वंस के हाउस में आपके पास जो है वो 0 है. तो इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 10. ठीक है, 5 और 10 में जो डिफरेंस है वो 5 का है. डिविजिबिलिटी रूल 10 के अकॉर्डिंग आपको वंस के हाउस में सिर्फ 0 चाहिए, पर डिविजिबिलिटी रूल 5 में आपके पास जो है उसमें आपके पास 0 और 5, वंस के हाउस में 0 और 5 चाहिए. ठीक है, तो इट्स मीन कि उसको फिर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स गिवन हैं, 120, 5740, 100, 950 एंड 80. ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय
10, ठीक है। मैंने आपको बुक से इसलिए एक्सप्लेन किया है कि आपकी बुक में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, थ्रू एक्टिविटी आप देख भी सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है आपके पास जो कि आपने घर में कंप्लीट करनी है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 39, ठीक है, आपके पास पेज नंबर 39 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 39, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1 अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आपने इसको फाइंड करना है और आपका ये होमवर्क भी है, आपने घर में इसको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द गिवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ए बी सी डी ई एफ। आपको ये सारे ए टू एफ नंबर्स गिवन हैं, आपने अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं कि इसमें कौन से नंबर जो हैं वो आपके पास डिविजिबल बाय 2 हैं, ठीक है। तो आपने मार्क करना है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ अ 16, पार्ट ए इज 16, योर वंस हाउस नंबर इज 6, इट्स मीन 16 इज डिविजिबल बाय 2। तो आप 16 को क्या करेंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। द बी पार्ट इज 43, द वंस हाउस नंबर ऑफ 43 इज 3, सो इट्स मीन के 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो द 43 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आप इसको मार्क नहीं करेंगे, आप 16 को मार्क करेंगे, 134 को मार्क करेंगे, 2114 को मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें 4 है, 4 इज़ इवन नंबर, आपने इवन नंबर्स को चेक करना है, 9226 आपके पास यहाँ पे भी ये इवन नंबर है और 540, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेक द गिवन नंबर्स गिवन बाय 3, 20, 27, 165, 6,720, 8,955 and 52,110। यहाँ पे भी देखें आपके पास ये सारे ए टू एफ पार्ट्स हैं, आपने इन सब क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन का आपने सम फाइंड करना है। अगर वो सम आपके पास डिविजिबल बाय 3 है तो इट्स मीन कि ये होल नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। तो ये भी आपने कंप्लीट करना है, मार्क करना है, लेकिन इसमें आपने मस्ट रफ वर्क करना है। तो ये रफ वर्क आप रफ नोटबुक्स पे करेंगे और उसके बाद मार्क आपने बुक के ऊपर करना है, ये आपके बुक पेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 5। ये तो बहुत आसान है कि अगर आपके पास वंस के हाउस में 0 और 5 है तो इट्स मीन कि वो डिविजिबल है, 225 दिस इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे 9 है ये नहीं आएगा, 95 ये डिवाइड हो जाएगा। आपके पास अगेन पार्ट डी में 9 है वंस हाउस में, तो इट्स मीन कि ये 5 पे डिविजिबल नहीं है और पार्ट ई इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लास्ट, इन सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ पे देखें आपके पास बहुत अच्छा सा बना हुआ है, एक्टिविटी सी बनी हुई है, इसमें आपने वंस हाउस में जस्ट 0 को चेक करना है कि अगर जहाँ पे वंस हाउस में 0 है इट्स मीन कि वो सारे नंबर्स आपके पास डिविजिबल बाय 10 होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ए जो है ए बी एंड उसके बाद आपके पास आ जाएगा डी नहीं है ई है, उसके बाद आपके पास जी है एंड एच, दीज ऑल पार्ट्स आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, दोनों क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं और ये बुक पे करने हैं, आपने डेट लिखनी है और उसके बाद होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो मैं चेक करूँगी। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।